हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नवरात्रि स्पेशल मधुबनी पेंटिंग में माँ शैलपुत्र की पेंटिंग बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम एक स्केच बनाएंगे और स्केच बनाने के लिए मैं वाटरप्रूफ ब्लैक जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। आप माइक्रोन का भी यूज़ कर सकते हैं। चारों साइड से हमें बॉर्डर बना लेना है एंड डबल लाइनिंग्स करते जाना है। कुछ इस तरीके से बीच में मैं स्क्वायर शेप का डिज़ाइन बना रही हूँ। बॉर्डर बन जाने के बाद बीच में हम माँ शैलपुत्री का ड्राइंग बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फेस से स्टार्ट करेंगे एंड देन नेक बनाते हुए हैंड वगैरह बना लेंगे। सभी जगह हम डबल लाइनिंग करते जाएंगे क्योंकि डबल लाइनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है मधुबनी पेंटिंग में। डबल लाइनिंग ऐसे तो डिज़ाइन को डिफरेंशिएट करने में यूज़फुल होता है, बट ट्रेडिशनली देखा जाए तो डबल लाइंस शिव एंड शक्ति का प्रतीक है। अब हम फेस में नोज़, आईज, लिप्स वगैरह बना लेंगे एंड माँ के ऑर्नामेंट्स भी बनाएंगे एंड साथ ही साथ जो भी हमें कपड़ों में डिज़ाइंस क्रिएट करना है, जो भी पैटर्न्स क्रिएट करना है वो क्रिएट कर लेंगे। अब हम माता की सवारी भी ड्रॉ कर लेंगे एंड इसमें भी हम डबल लाइनिंग्स देते जाएंगे। डबल लाइनिंग्स करना नहीं भूलना है हमें मधुबनी पेंटिंग में, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है डबल लाइंस एंड वाइब्रेंट कलर्स। तो जब ये हमारा ड्राइंग बनके कंप्लीट हो जाएगा देन हम इसमें कलर फिल करेंगे। वैसे तो हम ऑथेंटिकेट मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए निब या ब्रश का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो पेंटिंग है वो बिगिनर्स के लिए है, इसलिए मैंने ब्लैक जेल पेन यूज़ किया है वाटरप्रूफ। ड्रेस में हम कुछ इस तरीके का फ्लोरल डिज़ाइन बना रहे हैं, तीन पत्ते वाली, एंड साथ में अदर एलिमेंट्स भी हम बना लेंगे। जो भी एनिमल हम बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग में, हमें ध्यान रखना है कि एनिमल्स के बॉडी में एंड नेक पर हम कुछ इस तरीके के पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। अब जो बॉर्डर है उसे हम कंप्लीट करेंगे, तो अल्टरनेट स्क्वायर में हम कचनी डिज़ाइन एंड अदर में हम कलर फिल करेंगे। ये जो कचनी डिज़ाइन है उसे हम दोहरी कचनी कहते हैं एंड अब हम जो अल्टरनेट स्क्वायर है उसमें कोई सा भी वाइब्रेंट कलर फिल कर देंगे। इसके बाद हम फेस एंड अदर बॉडी पार्ट्स को स्किन कलर से कलर कर देंगे। कपड़े को कलर करने के लिए मैंने रेड एंड वॉयलेट कलर को मिक्स करके एक कलर क्रिएट किया है एंड जब भी हम कलर कर रहे हैं बड़े एरियाज में, लाइक कपड़े में या बैकग्राउंड में, एंड फ्लोरल डिज़ाइन या कुछ भी पैटर्न्स क्रिएट किया हुआ, तो उसे हमें बचा के कलर करना है, उसे वाइट छोड़ना है एंड अदर पार्ट को कलर कर देना है। ब्लाउज़ के लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ एंड जो भी अदर ऑर्नामेंट्स है उसके लिए येलो। हमारी पेंटिंग और अच्छी खूबसूरत दिखे इसके लिए मैं कहीं कहीं पे पिंक एंड ऑरेंज कलर का भी यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर कर रही हूँ एंड बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड में भी पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, पर मैंने बैकग्राउंड को प्लेन रखा है एंड अच्छे से पूरे बैकग्राउंड को फिल कर देना है। बैकग्राउंड में भी बहुत सारे पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हो, बट अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सिंपल ही रखें। इसके बाद हम बालों को कलर कर लेंगे एंड लास्ट में जो बैकग्राउंड है उसमें मैं कुछ इस तरीके से डॉट बना दूँगी, इससे थोड़ा बैकग्राउंड और अच्छा लगेगा एंड कुछ इस तरीके का हमारा फाइनल पेंटिंग बन के रेडी हो गया।